वेलकम टू द चैनल आर वी फंटासी सेवन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविलीग का जो मैच होने वाला है गुमजोंग लुंगस लाइन वर्सेस जयजिंग फ्लाइंग टाइगर्स के बीच में वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना ऐट द रेट आर वी फंटासी सेवन दोनों टीम का अगर कंपेरिजन करें तो जयजिंग फ्लाइंग टाइगर जो है है पर पॉइंट टेबल पर फोर्थ पोजिशन पर है उसी के साथ साथ गुमजोंग लुंग्स लायन पॉइंट टेबल पर फोर्टीन पोजिशन पर है लेकिन रिसेंटली मैचेस की अगर बात करूँ तो दोनों टीमें यहाँ पर फाइव आउट ऑफ थ्री मैचेस विन और टू मैचेस यहाँ पर लॉस होकर आ रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी दोनों टीम यहाँ पर इक्वली दिखाई दे रही है रिसेंटली मैचेस में लेकिन पॉइंट टेबल पर बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दोनों टीम में आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबल फाइव स्टार्टर तो अगर आपको पता नहीं कि सीबीए के लाइनअप कैसे चेक करते तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो गोंदांग की तरफ से आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे के साथ साथ वाई इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर स्टील स्टील बहुत बढ़िया करते हैं आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे जेल में ट्राई कर सकते हो बाकी स्मॉल के लिए अवॉइड करना जो मैगजन स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड से इससे लास्ट मैच इनका इतना बढ़िया नहीं रहा लेकिन उसके पहले दो मैचेस की अगर बात करो तो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है नाइन क्रेडिट के प्लेयर है ऑफेंसिव खेलेंगे अच्छे खासे पॉइंट आपको यहाँ से दे सकते हैं जेडी एनमिंग जो कि क्रेडिट से सेवर है फाइव पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे ट्राई कर सकते हो एज अ क्रेडिट से सेवर यहाँ से आपको वाइली एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे सेंटर से खेलेंगे क्रेडिट सेवर टाइम बहुत ही कम मिलता है और डिफेंसिव खेलते हैं और जल्दी यहाँ पर आए हंस आपको एज अ यहाँ पर बेंच प्लेयर में यहाँ पर कोड uh, पर दिखाई देंगे प्रोबेबल फाइव स्टार्टर जे की तरफ से ये फाइव प्रोबेबल स्टार्टर आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं लास्ट मैच के अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डिमोरे बेस्ट यहाँ पर पी पी च्वाइस आउट के मैच के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे डिमोरे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस एज स्टार्टर करते हुए थर्टी मिनट खेलकर थर्टी फोर पॉइंट टू सिक्स आ साथ एट रिबाउन सेवन असिस्ट और एक स्टील इनकी तरफ से आया था जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था थर्टी मिनट खेल कर ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट फाइव रिबन थर्टीन असिस्ट और टू स्टील के साथ बेस्ट पिक यहाँ से आपको मिल जाएंगे बाकी इतने बेटर पिक से मिलेंगे नहीं यौ, चेन, 19 क्रेडिट के प्लेयर है जेल में ट्राई करना स्मॉल लीग के लिए बहुत ज्यादा रिस्की लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इनके एवरेज गई लास्ट मैच जो गया था इनका एट पॉइंट फाइव रिबाउंड फाइव असिस्ट के साथ जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर बेस्ट आया था परफॉर्मेंस सेवन स्टिल के साथ टेन असिस्ट टू सिक्स आसाथ थ्री रिबाउंड और फोर यहाँ पर पॉइंट नहीं देती जो सेकंड मैच जो थर्ड मैच आया था यहाँ पर भी नाइन असिस्ट एटीन पॉइंट थ्री रिबाउंड और टू स्टील इनके तरफ से आए थे एक टीम ट्राई करना यहाँ पर वाई चैन को एज ए यस पी आया फिर पी पी आप ट्राई कर सकते हो बाकी डब्ल्यू जैन को एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे सिक्स क्रेडिट के, के प्लेयर है रिसेंटली मैचेस इनके लिए बहुत ही बढ़िया गए खास करके लास्ट मैच को टाइम सबसे बेस्ट मिला था एट पॉइंट फाइव रिबाउंड टू असिस्ट वन स्टील जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी टाइम बेस्ट मिला था ट्वेंटी नाइन मिनट खेलकर कर फोर्टीन पॉइंट टू रिबाउंड सिक्स साथ साथ थ्री असिस्ट इनके तरफ से आए थे सिक्स क्रेडिट के प्लेयर है क्रेडिट से और आपको यहाँ से मिल जाएंगे बाकी जे मुंग्रा लास्ट का परफॉर्मेंस टाइम इतना बेस्ट नहीं मिला था फाइव क्रेडिट के प्लेयरें जो लास्ट मैच रहा था जेड मुंगरा का तो यहाँ पर टू मिनट खेलकर कोई पॉइंट नहीं कोई रिमाउंड नहीं कोई असिस्ट नहीं जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर टाइम मिला था अच्छा और उसी के साथ साथ टेन पॉइंट उसी के साथ साथ टू रिबाउंड एक असिस्ट उन्हें नहीं दिया था बाकी फाइव क्रेडिट के प्लेयर है ट्राई कर सकते हो स्मॉल फॉरवर्ड के लिए जेलमिंग जोन बेस्ट पिक क्या से मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इतने बेटर पिक क्या से मिलेंगे नहीं अगर जेड जैंग खेलते हो तो यहाँ पर ये भी आपको बेस्ट पिक क्या से मिल जाएंगे बाकी अभी के लिए जेडमिंग जोन जो कि यहाँ से नाइन क्रेडिट के प्लेयर है और उसी के साथ साथ एज ए स्टार्टर खेलेंगे बेस्ट पिक यहाँ से आपको मिल जाएंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस एवरेज रहा था सेवन पॉइंट टू रिबाउंड और एक स्टिल के साथ लेकिन जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर बेस्ट आया था और थर्ड मैच में भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे जेड मूंगजू का टाइम बेस्ट मिला था और बेस्ट टाइम में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था नाइनटीन पॉइंट टू रिबाउंड टू असिस्ट और एक स्टिल के साथ मस्ट ट्राई करना नाइन क्रेडिट के प्लेयर है बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन प्लेयर ये भी बेटर है जेड जैंग यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे जेड यानमिंग यहाँ से एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जेड जेडियन मिंग का सिक्सटी मिनट लेकर टू पॉइंट थ्री री से इन्होंने दिए थे जे का परफॉर्मेंस 18 मिनट खेलकर कर थर्टीन पॉइंट सिक्स के साथ साथ वन रिबाउंड वन स्टील जो सेकंड मैच रहा था यानबिजू का 12 मिनट खेलकर 4.4 पॉइंट फोर रिबाउंड और उसी के साथ साथ जेड जैन का सेकंड मैच रहा था 20.4 पॉइंट फोर रिबाउंड उसके साथ साथ वन अस्टिस तो बेस्ट पिक ये भी है 8.5 पॉइंट क्रेडिट के प्लेयर है मस्ट ट्राई कराना जेड यानम फाइव क्रेडिट के प्लेयर है क्रेडिट सेवर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो आई आए एस बैन खेलेंगे बेस्ट बैच प्लेयर है वाइली यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जो वाइली का परफॉर्मेंस रहा था सिक्सटी मिनट खेलकर कर टू पॉइंट वो सिक्स साथ साथ थ्री रिबाउंड इन्होंने दिए थे उसी के साथ साथ आई एस बेस्ट रहते हैं हमेशा सेवन पॉइंट नाइन साथ वन स्टील जो सेकंड मैच रहा था आई एस का थर्टीन पॉइंट नाइन साथ साथ वन स्टील और वाइली का परफॉर्मेंस थ्री पॉइंट वन रिबाउंड और वन असिस्ट इनके तरफ से आया था सिक्स क्रेडिट के प्लेयर है एज ए स्टार्टर खेलेंगे आई हैज इलेवन क्रेडिट के, के प्लेयर है सेंटर से खेलेंगे एज ए बैच प्लेयर और ऑफेंस से खेलेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगे बाकी एक सेफ्टी एक्सेप्टी की तरफ से आपको लुकसिन सिंह एज अ बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ वाइड वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी के साथ साथ आपको ए आप दो अगर खेलते हो तो यहाँ पर ये भी प्रोबेबल स्टार्ट कर सकते हो या फिर बैच से खेलेंगे लास्ट मैच को इनको इनको यहाँ पर टाइम नहीं मिला था सीटेंगे यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे प्लस यहाँ पर स्टार्ट

क्रेडिट के हिसाब से एवरेज रहा है रिसेंटली मैच जो रहा था एज ए बेंच प्लेयर खेलकर टाइम बेस्ट मिला था एट पॉइंट थ्री रिबाउंड फोर असिस्ट और एक ब्लॉक यहाँ पर आया था लुकसुंग जिंग की तरफ से बाकी ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है जेल में ट्राई करना स्मॉल लिक के लिए बहुत ज्यादा रिस्की यून डू एज पर स्टार्टर खेलेंगे स्ट्रेंथ इनकी पॉइंट प्लस यहाँ पर असिस्ट असिस्ट बहुत बढ़िया करके लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे योन डू का टेन पॉइंट सिक्स रिबाउंड उसी के साथ साथ नाइन असिस्ट वन स्टिल जो सेकंड मैच रहा था यॉन डू का यहाँ पर भी एट असिस्ट टू रिबाउंड और सिक्स पॉइंट इनके तरफ से आए थे और उसी के साथ साथ टू स्टिल

मैच रहा था मॉन्टीजुअस का यहाँ पर भी 43 मिनट खेलकर कर थ्री पॉइंट रिबाउंड फोर असिस्ट और टू स्टील इनके तहत से आए थे पावर फॉरवर्ड से खेलेंगे रिबाउंड प्लस यहाँ पर पॉइंट अच्छे खासे देंगे और स्टील भी बढ़िया करती है तो मस्ट ट्राई करना उसके साथ साथ बेस्ट स्पीच आपको मिल जाएंगे जेड क्यू एज अ स्टार्टर खेलेंगे क्यूलिन स्टार्ट करते और बैन से खेलते तभी भी यहाँ पर दोनों तरफ से इनको बेस्ट टाइम मिलता है दोनों यहाँ पर एज अ प्रोबेपल स्टार्टर खेलेंगे आज के मैच में भी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस फोर्टी वन मिनट खेलकर ट्वेंटी टू पॉइंट सेवेंटीन रिबाउंड उसी के साथ साथ वन असिस्ट टू ब्लॉक और वन स्टिल बेस्ट स्पच आज के मैच में आपको मिल जाएंगे जेड क्यू क्यूलिन लास्ट मैच में टाइम बेस्ट मिला था टेन पॉइंट सिक्स रिबाउंड थ्री असिस्ट और वन स्टिल के साथ उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेड को भी टाइम बेस्ट मिलता है डीमॉन्टी को भी टाइम बेस्ट मिलता है और क्यूलिंग को भी लास्ट मैच में यहाँ पर टाइम बेस्ट मिला था बाकी जो सेकंड मैच रहा था डी को बेस्ट टाइम मिला भा था क्यूलिंग को बेस्ट टाइम मिला था और जेड को बेस्ट टाइम मिला था तो ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर थर्टी प्लस मिनट हर मैच में मिल रहे बाकी यहाँ पर डिमांटी बेस्ट है जेड बेस्ट है एस और बी चॉइस के लिए रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस तीनों का भी आप देख सकते हैं बेस्ट आया था जेड क्यू का एज अ बेंच प्लेयर खेलते हुए भी, भी और एज ए स्टार्टर करते हुए भी, भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था और क्यूलिंग का भी यहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस आया था बाकी दोनों यहाँ पर बेस्ट पिक है टेन पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है लेकिन क्यूलिंग को शायद आपको क्रेडिट की वजह से यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा बाकी अगर बात करेंगे ड्रीम एलेवन टीम तो पॉइंट गार्ड से डिमॉन्टेजिय मस्त है एज स्टार्टर खेलेंगे प्लस यहाँ पर बेस्ट पिक चॉस यू नाइन पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है स्ट्रेंथ है पॉइंट और असिस्ट आई क्लार्क से जी एल के लिए बेस्ट पिक बेस्ट पिक मिल जाएंगे लब्ल्यू जेंगू बैन से खेलते हैं बेस्ट टाइम है और रिसेंटली मैच में परफॉर्मेंस भी बेस्ट है। जे मिंगरून, जे मिंगरून को ट्राई कर सकते हो लास्ट मैच में टू मिनट खेले कोई, कोई, कोई तो बेंच प्लेयर खेलेंगे स्मॉल फारवर्ड से आपको जेड मिंगजून यहाँ पर मिल जाएंगे नाइन क्रेडिट के प्लेयर जो कि एज अ स्टार्टर खेलेंगे बाकी अगर उनको अगर यहाँ से आपको पिक करना है तो यहाँ से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा जो नाइन पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है बाकी यहाँ से प्लेयर है लास्ट मैच में टाइम नहीं मिला था अगर खेलते तो मस्त है बाकी डिमांटिचो से यहाँ पर बेस्ट पिक मिल जाएंगे जेड जैंग जाएंग एज अ बैच प्लेयर खेलेंगे एट पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है परफॉर्मेंस बेस्ट आता है सेंटर से जेड क्यू आपको बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे बाकी अभी बसते फाइव क्रेडिट और फाइव क्रेडिट में आप यहाँ से फाइव क्रेडिट में अगर कोई क्रेडिट से और आपको मिल जाता है तो वो है यहाँ पर जेड मिंगजरून जय मिंगरू जो कि एज अ बेस्ट प्लेयर खेलते लास्ट मैच में इनको टाइम नहीं मिला था और परफॉर्मेंस भी नहीं आता लेकिन सेकंड मैच में यहाँ पर 22 मिनट खेलकर 10 पॉइंट इन्होंने भी दिए थे तो फाइव पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर है एज अ क्रेडिट से और मैं यहाँ से इनको ट्राई कर रहा हूँ बाकी जो भी यहाँ पर फाइनल चेंजेस और फाइनल अपडेट होंगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर वैसे भी यहाँ से मिल जाएंगे अभी भी हमारे पास एक प्लेयर बचता है और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फाइव क्रेडिट है ये येल लुतुबुल्ला अगर खेलते तो ये लुतुबुल्ला यहाँ से बेस्ट पिक के यहाँ से मिल जाएंगे अगर यहाँ से लुतुबुल्ला नहीं खेलते तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा यूआन डो पर जो कि 9.5 पॉइंट फाइव क्रेडिट के प्लेयर एज ए स्टार्टर खेलेंगे इनकी स्ट्रेंथ है रिबाउंड सॉरी असिस्ट प्लस यहाँ पर पॉइंट और उसी के साथ साथ यहाँ पर जेड मंगजून एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे जी एल एल की तरफ से लास्ट मैच इनका इतना बढ़िया नहीं रहा था लेकिन जो सेकंड दोनों मैचेस रहे थे तो दोनों मैच में इन्होंने बेस्ट पॉइंट दिए थे नाइन क्रेडिट के प्लेयर है जीरो पॉइंट फाइव के लिए हमें यहाँ पर इनको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा और यहाँ से आपको ईजिली सेंटर से आपको मिल जाएंगे येलो तुपुल्ला जो कि यहाँ पर बेस्ट पिक है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जेडिया जेडियानमिंग फाइव ऑन फाइव क्रेडिट के प्लेयर है एज अ स्टार्टर खेलेंगे रिसेंटली मैचेस में स्टार्ट करते हो परफॉर्मेंस एवरेज रहा था बाकी क्रेडिट के हिसाब से मैं इनको यहाँ से पिक कर रहा हूँ बाकी जो भी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट होंगे फाइनल स्टार्टर और फाइनल लाइनअप आने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर वैसे भी दिए जाएंगे बाकी यहाँ पर एस पी चॉइस की अगर बात करूँ जेड क्यू सेंटर से खेलेंगे बेस्ट एस पी चॉइस उसी के साथ साथ डी मोन्टी उसके साथ मैं यहाँ पर एज ए पी जा रहा हूँ दोनों भी यहाँ पर थर्टी प्लस मैच खेलते हैं इससे यहाँ पर सेकंड पीपी चॉइस डी मोर भी यहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर डी मोर को यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम, कम मिलता है एज कम्पेयर टू तो डी मोन्टेजस और जेड क्यू इसलिए यहाँ पर मैं इन दोनों के साथ एज एस पी 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 जा रहा हूँ बाकी अगर आपको सेफ जाना हो तो यहाँ पर डी मोर के यहाँ पर पी पी बनाकर जा सकते हो बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आई होप गज आपको वीडियो पसंद आए होगा उसके साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर